इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2023 सत्र के लिए आवेदन शुरू किए हैं। इसमें इच्छुक उम्मीदवार यूजी या पीजी कोर्स में योग्यता के आधार पर 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यह सेंटर छात्रों को उनकी रुचि के आधार पर विभिन्न सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा यूजी व पीजी आदि कोर्स करने की अनुमति देता है। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक जोगिंदर कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टूडेंट एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए लिंक इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इग्नू द्वारा नए प्रोग्राम भी शुरू किए हैं जिसमें स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। मैं आजकल जुलाई 2023 सत्र के लिए जो है वो एडमिशन चल रही है। इसमें एडमिशन जो है हमारी दो प्रकार से होती है, एक फ्रेश एडमिशन और दूसरा रीरजिस्ट्रेशन। रीरजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहले से किसी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में रजिस्टर्ड रहते हैं, उनको अगले वर्ष के लिए या अगले सेमेस्टर के लिए रीरजिस्ट्रेशन करवानी होती है, वो प्रक्रिया भी आजकल चल रही है। और एक फ्रेश एडमिशन जो नए से स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन लेते हैं किसी भी प्रोग्राम में, आजकल बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट सभी कार्यक्रमों के लिए जो है वो एडमिशन चल रही है। और एडमिशन की जो प्रक्रिया रहती है वो ऑनलाइन रहती है। इसके लिए लिंक जो है वो इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल रहता है। और जो लास्ट डेट है एडमिशन की जुलाई 2023 सत्र के लिए, वह 30 जून 2023 निश्चित की गई है। तो इसमें जो हाल ही में जैसे स्टेट ओपन स्कूल है स्टेट का, उनके जो स्टूडेंट्स हैं 10+2 के, उनके रिजल्ट अभी आए हैं। और इसके साथ साथ NIOS के रिजल्ट भी जैसे आए हैं 10+2 के, या स्टेट बोर्ड HP स्टेट बोर्ड के जो स्कूल हैं उनके भी 10+2 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स रेगुलर मोड से किसी कॉलेज में अपनी एडमिशन नहीं करवा सकता है, कारण कोई भी हो सकता है, तो उनके लिए इग्नू में बहुत सारे बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो है वो इग्नू ऑफर कर रही है। और मैं अपने किसी काम के साथ साथ या जो भी ट्रेनिंग, दूसरी कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके साथ साथ हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो इग्नू से जो है वो बड़े आसान तरीके से स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं और अपने हायर एजुकेशन भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जैसा कि इग्नू हर साइकिल में जो कुछ नए प्रोग्राम लॉन्च करती है, इस बार भी बैचलर डिग्री की हम बात करें तो इग्नू ने दो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम जो हैं वो अभी लॉन्च किए हैं, जिसमें एक है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA प्रोग्राम जो है वो इग्नू ने शुरू कर दिया है, और दूसरा प्रोग्राम है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया। जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया में इग्नू ने BA प्रोग्राम शुरू किया है, वो भी जुलाई 2023 सत्र से ये लॉन्च किया है। इसके अतिरिक्त पहले से जो BA, BCOM, BSc, BTS, BSW, BCA इस प्रकार के बहुत सारे प्रोग्राम पहले से ही इग्नू ऑफर कर रही है, जिसमें कि एक वोकेशनल प्रोग्राम है टूरिज्म में BA VTM प्रोग्राम, और साथ ही साथ BA इन अप्लाइड उर्दू, संस्कृत और हिंदी में भी बहुत अच्छे प्रोग्राम जो है वो इग्नू ने शुरू किए हैं। अभी हाल ही में मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी कुछ शुरू हुए हैं, जो MA इन एनवायरमेंटल स्टडीज और MA इन हिंदू स्टडीज, ये दो मास्टर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम शुरू किए हैं। साथ ही साथ MSc प्रोग्राम, चार विषयों में इग्नू ने MSc प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें कि जियोग्राफी, फिजिक्स और जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड MSc इन अप्लाइड स्टैटिक्स, ये चार प्रोग्राम इग्नू ने MSc प्रोग्राम भी इस सत्र से शुरू किए हैं। तो इनके लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 30 जून 2023 निश्चित की गई है। और जो स्टूडेंट्स इग्नू के माध्यम से हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, चाहे वो बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर मास्टर डिग्री में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से वो अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, किसी काम के साथ साथ जो है वो पढ़ाई भी कर सकते हैं और हायर एजुकेशन लेकर अपने जो उनके सपने हैं उनको साकार कर सकते हैं।